हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजेश विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में। द ड्राइव ऑफ दिस टाइप इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। द व्हीकल ड्रॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फील इट अ सुटेबल पॉइंट फ्रॉम आइदर अ सेंट्रल पावर स्टेशन और सब स्टेशन। ये जो ड्राइव होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्राइव होता है, क्यों इस ड्राइव के अंदर जो एनर्जी हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ड्रॉ की जाती है वो सुटेबल पॉइंट पर या तो सब स्टेशनों से फीड की जाती है या फिर सेंट्रल पावर स्टेशन से सप्लाई दी जाती है। इस ड्राइव के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, इट इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल ओवर द टाइप ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। Due to this only, it is ideally suitable for the underground and tube railways. ये सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन सिस्टम माना जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंदर, और यही वो सिस्टम है जो कि आइडियली सुटेबल होता है अंडरग्राउंड और ट्यूब रेलवेज के लिए। इसका अगर हम अगला एडवांटेज की बात करें तो नो वाटर एंड कूलिंग डिपॉट्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में हमें बार बार पानी और कोयल की आवश्यकता नहीं होती है। The electrical energy required for lights and fans of the train can be drawn from the lines directly, and therefore there is no need and of providing the Rosenberg generator. ये जो electrical drive system होता है इसमें हम जो light load होते हैं या fan को चलाने के लिए जो हमें electrical energy की आवश्यकता होती है, इसे हम directly overhead line से draw कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के हमें रोजनबर्ग जनरेटर या अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगला इसका हम एडवांटेज अगर देखें तो ओविंग टू बेटर स्पीड कंट्रोल इन द इलेक्ट्रिकल ड्राइव लोकोमोटिव एट स्लो स्पीड इज पॉसिबल। इसमें हम आसानी से और स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इस लोकोमोटिव को हम ईजिली स्लो स्पीड पर भी रन कर सकते हैं। अगला इसका हम एडवांटेज देखते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट इज अबाउट 60% of that of the steam locomotive. अगर हम देखें इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट भी स्टीम लोकोमोटिव के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो दिस टाइप सिस्टम इज हैव देयर फ्रॉम द हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ द स्मोक एंड फ्यूम्स। इसमें कंप्लीट जो है आपके स्मोक डस्ट एक्सेप्टर नहीं होता, इसलिए ये हेल्दियर सिस्टम के अंतर्गत आता है और काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट हम एडवांटेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन एरियाज ऑफ द हाई ट्रैफिक डेंसिटी पर्टिकुलरली इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चीप। ये जो होता है हाई ट्रैफिक डेंसिटी एरियाज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सस्ती होती है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन विदस्टैंड लार्ज टेम्परेरी ओवरलोड्स एंड कैन ड्रॉ रिलेटिवली लार्ज पावर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो कैपेबल होते हैं ओवरलोड लेने के लिए, और अगर हम उनमें कुछ समय के लिए ओवरलोड भी आ जाता है तो भी वो आसानी से सहन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन हेल्प इन सेविंग ऑफ द हाई ग्रेड कोल विच इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी इन आवर कंट्री। इलेक्ट्रिकल जो ट्रैक्शन सिस्टम है हमारा कोल को भी सेव करता है, जो कि एक पर्टिकुलर मात्रा में ही हमारे पास अवेलेबल है हमारी कंट्री के अंदर। रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन इनकरेज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एज नो स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन्स हैव टू बी रन फॉर दिस पर्पज। ये रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को भी मोटिवेट करता है कि वहाँ पर भी सप्लाई जो है जाती, क्योंकि वहीं से हम सप्लाई इलेक्ट्रिकल रेलवेज को सप्लाई करते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें हम तो फर्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है, इट इन्वॉल्व्स अ हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर फॉर द पावर सप्लाई सिस्टम। इसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई सिस्टम आपको अरेंज करना पड़ता है। फिर अगला इसका डिसएडवांटेज है, नो नंबर ऑफ सम वॉट सेवर लीकेज करेंट फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर्स एंड द वोल्टेज ड्रॉप इन द
ट्रैक रेल हैव टू बी कंपाइल्ड विद। नेक्स्ट इसमें है फेलियर ऑफ द पावर सप्लाई टू अ फ्यू मिनट्स में पैरालाइज द होल सिस्टम। अगर कुछ समय के लिए भी इसमें अगर पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो ये पूरा सिस्टम जो है पैरालाइज हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट अगर इसका हम डिसएडवांटेज डिस्कस करें तो स्टीम लोकोमोटिव कैन यूज देयर स्टीम फॉर हीटिंग द कंपार्टमेंट इन कोल्ड वेदर वेरी चीपली, वेयर द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैव टू बी डू इट इट एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो स्टीम लोकोमोटिव में स्टीम का हम यूज़ कंपार्टमेंट को हीटअप करने के लिए चीपली यूज़ कर लेते थे, सस्ता पड़ता था, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में यही काम हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके करना पड़ता है अगर आपको कंपार्टमेंट को हीटअप करना है तो। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज हम देखते हैं, इट इज़ टाइड अप टू इलेक्ट्रिकल रूट्स। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिर्फ उन्हीं रूट पर रन कर सकता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल होती है, इसलिए ये पर्टिकुलर एक रूट से बना हुआ होता है। अगर नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं तो एडिशनल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, रीजनरेशन इज नॉट सिंपल प्रोसेस। इसमें एक्स्ट्रा हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आइए हम अब देखते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मे बी डिवाइडेड इंटू टू मैन ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ व्हीकल विच रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फीड एट द सुटेबल पॉइंट फ्रॉम आइदर अ सेंट्रल पावर स्टेशन और सब स्टेशन सुटेबली स्पेस्ड। दिस ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू, इस ग्रुप को भी हम अगेन दो भागों में बांट सकते हैं। सिस्टम ऑपरेटिंग विथ डी सी सच एज ट्रॉली बसेज, ट्रामवेज एंड रेलवेज। फिर नेक्स्ट इसमें दूसरा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑपरेटिंग विथ ए सी सच एज रेलवेज, ये दो प्रकार का होता है। आइए इसमें हम देखते हैं, द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ कंटेन लोकोमोटिव, दिस ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड शिप्स, पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड लॉरीज, एंड थर्ड वन इज बैटरी ड्राइवन रोड व्हीकल्स। आइए हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रामवेज के बारे में। द पावर इज सप्लाइड टू द ट्राम कार्स यूजुअली एट 600 वोल्ट डीसी फ्रॉम अ सिंगल ओवरहेड कंडक्टर फीड एट सुटेबल पॉइंट फ्रॉम अ सेंट्रल पावर स्टेशन और सब स्टेशन। द ट्राम कार इज प्रोवाइडेड विथ अ लीस्ट टू ड्राइविंग एक्सल्स सो दैट नेसेसरी एडिशन इज secured and control is possible from either end. The use of two or more driving axles tends to be the use of two motors with series parallel control. Field weakening method may be employed to obtain the higher running speed for suburban services. Two drum type controllers, one at each end, usually employed for the control of the vehicles. One at each end usually employed for the control of vehicles are connected in parallel so that operation is possible from one end at a time. With the increasing output required by present day tram cars, the controller is tending to become so large that its operation cause fatigue to the driver, and master controller equipment used on the railways is employed in recent designs. आइए हम अब ट्रॉली बसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। The trolley buses is an electrically operated pneumatic tired vehicle and it is fed usually at 600 DC volt from two overhead contact wires by means of two collectors. This drive has overcome a serious drawback of tramways, lack of movability in congested areas and noisy. The trolleybuses are more expensive, another advantage, and the speed control is obtained by the field weakening method. Foot operated master controllers are used so that driver may be have this hands free to starter
the vehicle and applying hands brakes. एंड ये जो ड्राइव होता है काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है और इमरजेंसी में इसको अगर रोकने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम आसानी से रोक भी सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. थैंक यू.